हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में हमेशा की तरह एक और वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। UTI एक आम समस्या है। यह समस्या पुरुष और महिलाओं दोनों में देखी जाती है, लेकिन महिलाओं में इसका असर ज़्यादा देखा जाता है। मुख्यतः यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जैसे ई कोलाई इत्यादि बैक्टीरिया होती हैं, उनके कारण ज़्यादा होता है। और UTI तब होता है जब मूत्राशय और इसकी नलिका में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी यूरिन त्याग कर देते हैं, या कॉमन बाथरूम भी यूज करने से ऐसा होता है। और दोस्तों, पानी कम पीने से इसका यूरिन में जलन वगैरह ज़्यादा हो सकता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से जलन और यूरिन रोकने से वो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम UTI कहते हैं। जैसे कि लोग यूरिन को ज़्यादा देर तक रोक के रखते हैं, जब जब उसको महसूस होता है तब त्याग नहीं करते हैं। जैसे ऑफिस में बैठे हुए हैं या कहीं मीटिंग हो, या मतलब कोई जैसे डॉक्टर तो पेशेंट देखने में बिजी हो गया, तो उसको भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, गर्भावस्था में भी होता है और अनहाइजेनिक सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकता है, पानी कम पीने से, और पूरा पेशाब त्याग न करने से भी होता है। संक्रमण मूत्राशय में होता है तो उसे सिस्टाइटिस इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है, और यूरेटाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, या शुगर के जो पेशेंट हैं, जो लोग शुगर से पीड़ित हैं, उनको यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। यूरेट्रिक या किडनी स्टोन जिसको है उसको भी होता है, और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक रहती है उनको भी होता है। मूत्राशय में संक्रमण होने से मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है, पेशाब त्याग करते समय दर्द जलन महसूस होता है, बार बार यूरिनेशन होता है, डिस्यूरिया रहती है और हिमेच्यूरिया भी होती है। डिस्यूरिया मतलब यूरिन त्याग करते समय दर्द रहता है, यूरिन के साथ ब्लड आता है, और लोअर एब्डोमेन पेन रहता है, मतलब पेट के निचले भाग में दर्द रहता है, बुखार, उसके साथ साथ ठंडा लग के बुखार आना, और कभी कभी नौजिया भी होता है। ये सब इसके लक्षण होते हैं। दोस्तों, इससे बचा कैसे जाए? अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, शराब कैफीन का सेवन कम करना चाहिए, और प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उनको साफ रखना चाहिए। और यदि आपको लग रहा है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है या ऐसी सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ अपने नियर बाई लैब में या डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ वो आपको यूरिन रूटीन, CBC, यदि यूरिन में कुछ पस सेल ज़्यादा है, जैसे पस सेल आपका 8-10 है, एपिथेलियल सेल 6-8 है, RBC प्रेजेंट है, उसके साथ एल्बुमिन भी यूरिन में प्रेजेंट है, तो ये कई कारण हो, इन सब कारणों होने के बाद आपको यूरिन कल्चर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो उसके साथ आप अल्ट्रासाउंड कराइए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम की वजह से तो आपको यूरिन में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है ना। दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना है। यदि UTI से बचना है, यूरिन इन्फेक्शन से आपको रिलीफ पाना है, तो पानी ज़्यादा डेली 2-3 से 4 लीटर पानी पिएंगे तो आपको
यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। और इसके लिए सिटाल का सिरप आता है, वो भी पी सकते हैं। आयुर्वेद में देखा जाए सेव का सिरका, आंवले का जूस, और जैसे आंवला का जूस 50 ग्राम सुबह शाम पीजिए, उससे भी ठीक हो जाता है। यदि फीवर है तो उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स, लेकिन उससे पहले आपको जब भी आप एंटीबायोटिक्स यूरिन इन्फेक्शन के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यूरिन कल्चर भेजना है, उसके बाद तो एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करना है, उससे पहले नहीं। फीवर के लिए एंटीपायरेटिक, और गैस्ट्रिक है तो गैस्ट्रिक के लिए आप PPI वगैरह जैसे पेंटाप हुआ, रेंटेक हुआ, रेबिरोज हुआ, ये सब खा सकते हैं। यदि उसके साथ आपको ज़्यादा फीवर हो के ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए हैं तो हॉस्पिटलाइज होके IV फ्लूड वगैरह इत्यादि चालू करके अपने को हाइड्रेट करके जब यूरिन अच्छे मात्रा में आने लगेगी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।